वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 24 अक्टूबर को इनके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले प्रदेश की जनता की निगाहें होती है ओपिनियन पोल पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैम आपको बता देते हैं कि ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है। दोस्तों आज का हमारा ओपिनियन पोल सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार भी रहेगा और हमारे चैनल के अकॉर्डिंग भी रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ ओपिनियन पोल वही होता है कि चुनाव से पहले जो पब्लिक के मन की क्या बात होती है, यानी चुनाव से पहले जो हमारे रिपोर्टर घूम फिर के पब्लिक का रिव्यू लेते हैं, उनका डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कौन सी सीटें कौन सी पार्टी निकाल रही है। उसके बाद दोस्तों एग्जिट पोल वो होता है जो चुनाव वाले दिन यानी 21 अक्टूबर को चुनाव देने के बाद हम हमारे रिपोर्टर हर एक बंदे से पूछते हैं कि आपने किसको वोट डाला और वो 22 तारीख को जारी करते हैं, उसको कहते हैं एग्जिट पोल। ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, इनके अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि ओपिनियन पोल के अंदर लोग अपनी मर्जी की बात नहीं करते, लेकिन एग्जिट पोल के अंदर लोग अपनी मर्जी की बात 100% करते हैं। तो चलिए दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आखिर क्या कहता है हमारा ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र के अंदर तीन पार्टी ही काफ़ी मजबूती से आज के टाइम खड़ी है, बीजेपी, शिवसेना एंड कांग्रेस। और उसके बाद जो अन्य दल है, निर्दलीय दल है या अन्य पार्टी है, ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाएगी। हालांकि आपको बता दें कि अदर पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है या कोई निर्दलीय दल है या अदर पार्टी जैसे कि MNS या NCP पार्टी है, काफ़ी अच्छी सीटें निकाल सकती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, काफ़ी बड़ा सवाल है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर संभावित कांग्रेस पार्टी इस बार काफ़ी सीटें निकाल रही है, लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर 90 के आसपास सीटें निकाल रही है, 90 के आसपास सीटें जीत सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी। वहीं बीजेपी और शिवसेना दोनों मिला के अगर गठबंधन करके सरकार बनाना चाहे तो दोनों पार्टियों को गठबंधन करना होगा। मेरे हिसाब से पूर्ण बहुमत शायद किसी भी पार्टी का ना आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए पूरे पूरे धीरे धीरे जोर कर रही है। शायद किसी अन्य दल को मिला के भी कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी को जो सीटें दिखाई जा रही है, बीजेपी भी काफ़ी हद तक पीछे नहीं है। बीजेपी को 50 से लेकर 80 के बीच सीटें दिखाई जा रही है, वही शिवसेना को भी 50 से 80 के बीच सीटें दिखाई जा रही है। तो मेरा मानना यही है कि बीजेपी और शिवसेना अगर मिलकर गठबंधन की सरकार बनाना चाहे तो बना सकती है और महाराष्ट्र प्रदेश का इतिहास चेंज कर सकती है। वही कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है आज के 90 सीटें के चुनाव में, यही तक प्रेडिक्शन है 50 से 80 के बीच बीजेपी और शिवसेना का है और कांग्रेस अकेली ही 90 पर सीटें दिखाई जा रही है जो अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाने का जो पेशकश कर सकती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल भी है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह हमारे ओपिनियन पोल है अभी तक के, या 10 दिन के बाद ओपिनियन पोल क्या हो गए। सट्टा बाजार की माने तो सट्टा बाजार भी इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सट्टा बाजार की रिपोर्ट काफ़ी सही नहीं होती है, लेकिन इस बार फलादी सट्टा बाजार यही दिखा रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छे मतों से महाराष्ट्र के अंदर विजय हासिल कर सकती है। सो गाइज, आप क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकालेगी, प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।